नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देखा एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 10 डेज स्टडी प्लान। सब लोग जानते हैं 28 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आने वाले 10 डेज में आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके कम समय में। देखिए फ्रेंड्स, इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका लेवल फिलहाल 100 में से 60% है एग्जाम के लिए, इस स्टडी प्लान के बाद इन 10 डेज के बाद आपका जो लेवल होगा वो 100 में से 90% तक पहुंच जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको औरों की तरह ये नहीं बताऊंगा कि ये पढ़िए, इस बुक से प्रिपरेशन करिए, ये क्लासेस लीजिए, इस तरीके से पढ़िए, इन टॉपिक्स को रट्टा लगा लीजिए। यहां पर मैं एकदम प्रैक्टिकली बातें करने वाला हूं जो कि आप डिटेल से बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब से एनटीपीसी की एग्जाम डेट अनाउंस हुई है तो काफी सारे लोग हाइपर से हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि यार एनटीपीसी का एग्जाम सर पे आ चुके हैं और अभी तक तो मेरी पूरी तरीके से तैयारी भी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है, सोचिए कि सब कुछ अच्छा है, अब मुझे आने वाले टाइम की सोचनी है, एग्जाम तक अब मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अब आपको ये सोचनी है। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना एग्जाम का, जो भी आपने पढ़ा और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो वो सब कुछ बेकार हो जाएगा और जो आपके एग्जाम तक टाइम है इस स्ट्रेस की वजह से, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइम होता है ना जब आपको एग्जाम डेट का पता चल जाता है, इसमें बहुत ही जबरदस्त एफिशिएंसी निकल के आती है, आपका जो प्रिपरेशन करने का लेवल होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो यहां पर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये जो 10 डेज है आपके, कोई से भी 10 डेज हो सकते हैं, कल से आप 10 डेज को मैनेज कर सकते हैं कि हां मैं इस प्लान को आने वाले 10 डेज से प्रॉपर फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको तय करना है कि यार इन 10 दिनों में मुझे प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ेगी। अगर आप डेली 4 से 5 घंटा प्रिपरेशन कर रहे थे अब तक, तो अब आपको थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है और प्रिपरेशन ज्यादा करनी है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको डेली 7 घंटा तो प्रिपरेशन को देना चाहिए, बस ये 10 डेज दे दीजिए, उसके बाद चाहे फिर आप अपना टाइम कम कर लीजिए, लेकिन इन 10 दिनों में आपको 7 घंटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए कि मॉर्निंग में 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को फिर 2 घंटा, 2-3 घंटा या फिर कुछ भी मैं रात को टाइम दूंगा। तो इस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज कर लिए और मिनिमम यार 7 घंटा तो प्रिपरेशन को दीजिए क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है। और ये ऐसा नहीं कि आपको साल भर 7 घंटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, केवल 10 दिनों तक आपको करनी है और आप ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पहला काम आपका ये है फ्रेंड्स। आपका दूसरा काम है अपने एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज एकदम डीप तरीके से रिविजन जरूर मार के जाएगा और ये काम आपको इन 10 डेज प्लान में नहीं करना, अपने एग्जाम से ठीक 5 दिन पहले करना है, यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आपको अपने एग्जाम की प्रॉपर डेट पता चल जाएगी तब आपको रिविजन करने बैठना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, बस प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, एक तरफा कभी इस सब्जेक्ट पर कभी उस सब्जेक्ट पर, रिवीजन के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो इन 10 डेज के अंदर रिवीजन को मत रखिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उससे ठीक 5 दिन पहले रिवीजन करना सबसे बेटर होता है। कंप्लीट सिलेबस को एक बार डीप तरीके से रिवीजन अगर आप मारते हो तो सारी की सारी चीज एक बार रिकॉल हो जाएंगी, आपके माइंड में एक बार अच्छे से एक्सेस हो जाएंगी और जो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो काफी जबरदस्त रहेगा। तो रिवीजन किए बिना एग्जाम में मत जाएगा, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, जो आपका तीसरा काम है ये आपको इस 10 डेज स्टडी प्लान को इनिशिएट करने से पहले करना है या फिर इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आपको ये काम करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको खुद को चेक करना है कि मेरा फिलहाल लेवल क्या है, क्या मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं, कितना रेडी हूं मैं, प्रिपरेशन मेरी कहां तक हुई है, अगर आपको ये चेक करना है तो इसका सबसे बेटर तरीका है कि आप आरआरबी एनटीपीसी का मॉक पेपर उठाइए और 1-2 मॉक पेपर सॉल्व करिए प्रॉपर टाइम के साथ, तो आपको अपनी सारी कमियां पता चल जाती हैं। तो आपको यही काम करना है जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एनटीपीसी के 2 ऑफलाइन मॉक पेपर ले लीजिए, यानी कि 2 मॉक टेस्ट के ऊपर आपको काम करना है, 90 मिनट मोबाइल के अंदर लगाकर रख लीजिए और 100 क्वेश्चन सोल्व करिए, फिर एक और मॉक पेपर सोल्व करिए और दोनों को अच्छे से चेक करिए। डेफिनेटली आपको अपने अंदर काफी सारी कमियां दिखाई देंगी। आपको इसे क्या पता चलेगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे कि यार मेरा तो जीएस सेक्शन बहुत वीक है, जीएस में मैं इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता चलेगा यार करंट अफेयर का तो मैं एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया। आपको पता चलेगा कि यार मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन टफ है, मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता चलेगा कि यार जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, हाँ इसे मैं कर लूंगा, इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको अपनी इन कमियों के बारे में पता चलेगा कि यार मैं 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर तो सोल्व कर ही नहीं पा रहा हूं, केवल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। तो आपकी जितनी भी कमियां हैं
एग्जाम में बैठने से पहले वो सभी आपके सामने होंगी और सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इन कमियों के ऊपर आपको इन 10 डेज स्टडी प्लान के अंदर काम करना है। अगर आपको मॉक पेपर सोल्व करने के बाद ये पता चल रहा है कि हाँ मेरा जीएस सेक्शन वीक है तो इस 10 डेज स्टडी में आपको जीएस सेक्शन के ऊपर काम करना है। आपको लग रहा है कि हाँ करंट अफेयर वीक है तो करंट अफेयर के ऊपर काम करिए। आपको लग रहा है कि हाँ मैं मैथ्स के परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सोल्व नहीं कर पा रहा हूं तो आपको ये आपकी कमियां दूर करनी है। काफी सारे लोग क्या करते हैं एग्जाम डेट आई कंप्लीट सिलेबस को स्टार्टिंग से रिविजन करने में लग गए, सब्जेक्ट वाइज रिविजन कर रहे हैं जो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो चीजें आपको आती है उन्हीं को बार बार पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई क्यों होते हो, आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो टॉपिक आपका वीक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स पहले अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो और उनके ऊपर काम करो और फिलहाल आपके पास टाइम है, ये 10 डेज है, इनके अंदर जितने भी वीक पॉइंट्स है ना उनको पकड़ो, फिर देखते हैं आपके अंदर कमियां कहां नजर आती है। ये नहीं कि जो आता है उसी के ऊपर रट्टा लगाए जा रहे हो, ये एकदम गलत है। फ्रेंड्स इस 10 डेज स्टडी प्लान का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे पढ़े और कब से कब तक के करंट अफेयर पढ़े ताकि एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। अगर बात करें कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़े, देखिए फ्रेंड्स वैसे तो आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने चाहिए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम फिलहाल चल रहा है उसके रेफरेंस में और आरआरबी एनटीपीसी की जो ईसीए हाल ही में फाइनल हुई है यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि अभी तक क्वेश्चन पेपर को सेट करने का प्रोसीजर भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके रेफरेंस में जो एनटीपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वो हाल ही के करंट अफेयर पूछे जाएंगे यानी कि लास्ट 4 या फिर 5 मंथ तक के करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाएगा और आपको अपने इन लास्ट दिनों में यानी कि इन 10 डेज स्टडी प्लान में आपको लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चला हुआ है, एसएससी कंडक्ट करा रहा है और इसमें लास्ट 3 और 4 मंथ्स के करंट अफेयर मोस्टली पूछे जा रहे हैं। काफी सारे लोग कमेंट्स और डीएम कर करके बता रहे कि हर एक शिफ्ट में हमारे दिख करंट अफेयर शो से 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जैक्टली बन रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जो करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर करो वो लास्ट 4 या फिर 5 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा, यानी कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर के ऊपर नजर बना के रखिएगा। देखिए इससे बार करंट अफेयर नहीं जाएगा और एनटीपीसी का एग्जाम है तो डेफिनेटली 11 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं गए, 11 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर एक सलाह देना चाहूंगा कि जो दिख करंट अफेयर शो एवरी संडे शाम 5 बजे हमारा चल रहा है आप उसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहे और अगर आपने कुछ एपिसोड्स मिस कर दिए तो आपको चैनल के ऊपर दिख करंट अफेयर शो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। लगभग 3 महीने हमें हो चुके हैं, 12 एपिसोड हो चुके हैं, अगर आप डेली 2 एपिसोड्स को भी देख रहे हैं तो लगभग 6 दिन के अंदर आप सभी एपिसोड्स को देख चुके होंगे और एवरी संडे शाम 5 बजे आगे आप फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। और जिन लोग का सवाल था कि कब से कब तक का करंट अफेयर फॉलो करें, तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने के लास्ट यानी कि सेप्टेंबर मंथ से आप करंट अफेयर को अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे अगर आपने लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर भी फोकस बनाया तो और भी अच्छी बात है। और बात कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे कि इंपोर्टेंट योजनाएं, डेट्स वगैरह होती हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करें, कहां से प्रिपेयर करें। तो मैंने आपको लगभग 1 महीना पहले एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो प्रोवाइड किया था कि 95 प्लस स्कोर कैसे करें एनटीपीसी एग्जाम में, यह वीडियो देख लीजिएगा आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बड़ा इंपोर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स इस 10 डेज स्टडी प्लान के अंदर आपको थ्योरेटिकल तरीके से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कोई टॉपिक क्रिटिकल है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप थ्योरेटिकल उसे पढ़ सकते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग कोई लेक्चर वगैरह देख सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 साल से आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो, अब टाइम है फ्रेंड्स जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए। टॉपिक वाइज जैसे कि जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस को कंप्लीटली एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ दीजिए। टॉपिक वाइज अपना हिस्ट्री उठाई, टॉपिक वाइज जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सके फ्रेंड्स उनको सोल्व करिए। आपको आंसर नहीं देखना है, आपको खुद क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर काम कर दीजिए, फिर देखें रिजल्ट आपके क्या चौंकाने वाले निकलेंगे। यही सबसे यूनिक ट्रिक है फ्रेंड्स। ये टाइम है कि प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, किस
टाइप के क्वेश्चंस है और आपकी सोल्व करने की अक्षमता क्या है, कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर सोल्व कर पा रहे हो, किस स्पीड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, किसी भी टॉपिक से किसी भी तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसको हाँ प्रॉपर सोल्व कर रहे हो, आपने ये प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है, ये ट्रेनिंग आपने ले ली है, तो इन 10 दिनों के अंदर दबा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए, रीजनिंग के क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए, साथ ही करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन बनाने की और उनको सोल्व करने की कोशिश करिए, सबसे बेस्ट है। फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बूस्टर ट्रिक, मैंने इसको नाम दिया है। ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, अगर दो सेम सब्जेक्ट के टीचर है और वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में सेम सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग एक ही तरीके से चलेगा, स्टूडेंट्स को वो एक टॉपिक उसी तरीके से ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करेंगे, आप उस टॉपिक को उसी तरीके से समझोगे, ठीक है, माइंड एक तरीके से काम करेगा। तो ये चीज समझिए, अगर कोई एग्जाम है, मान लीजिए SSC CHSL का एग्जाम है और RRB NTPC का एग्जाम है, जो एग्जाम बना रहा है, एग्जाम सेट कर रहा है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, उनका भी माइंड कहीं ना कहीं एक तरीके से चलता है कि हाल ही में क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, 12th लेवल का एग्जाम है, 12th लेवल का एग्जाम है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस रखने चाहिए, ये सभी चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, फिलहाल के टाइम में काफी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम चले हुए हैं या फिर हो चुके हैं, फिर आने वाले टाइम में होने वाले, SSC CHSL का एग्जाम हो चुके हैं 2019 वाला, साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, SSC के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, CPO के एग्जाम के बारे में आपको पता है, और भी काफी सारे एग्जाम होने वाले स्टेनो वगैरह के। तो आपको फ्रेंड्स यही करना है, अगर आप NTPC के एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं और कुछ यूनिक तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन 10 डेज के अंदर आपको एक काम करना है, जैसे कि SSC CHSL का एग्जाम हो चुका है, तो आपको सभी क्वेश्चंस निकाल लेने हैं, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर निकालिए और उनको अच्छे से एनालाइज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको एक बहुत जबरदस्त रेफरेंस मिलेगा कि हाल ही में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और करंट अफेयर कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, जैसे ही आंसर की आएंगी आपको इंटरनेट से सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आसानी से मिल जाएंगे, या फिर अब भी आप चेक करोगे कि GSK इस शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली किसी ना किसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे YouTube चैनल जो कि एनालाइज कर रहे हैं इन चीजों को, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां से आपको आइडिया लगेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट अफेयर से किन किन चीजों को फोकस किया जा रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, जीएस के अंदर कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और यही वाली चीज जो NTPC का एग्जाम सेट करता है, क्वेश्चन पेपर सेट करता है, वो भी यही सोचता है कि हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं, क्योंकि SSC CHSL वाले ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो क्वेश्चन पेपर बना, तो उसने हमें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के सिलेक्ट किए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, और वो जो NTPC का एग्जाम सेट करेगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों का काम सेम है, वो भी क्वेश्चन पेपर के सेट बनाता है, वो भी क्वेश्चन पेपर के सेट बनाता है, हालांकि एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों का माइंड कहीं ना कहीं एक जगह चलता है। तो ये सबसे बेटर तरीका है, अगर आपको ये जानना है कि NTPC का एग्जाम कैसा होगा, लेवल क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे बेटर तरीका है जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम हो रहे हैं, उनको एनालाइज करिए, अच्छे से सब्जेक्ट वाइज सोल्व करने की कोशिश करिए, समझिए, तो ये बेस्ट तरीका और ये बूस्टर ट्रिक है फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके पास इंटरनेट है, गूगल करिए, आप क्वेश्चन पेपर निकालिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज को फॉलो करके देखिए, इन 10 दिनों में इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, फिर देखिए आपका लेवल कहां पर जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपको फॉलो करना ही करना है, इसके बिना आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर ही नहीं सकते, और इस पॉइंट के बारे में आपको हजारों बार बता चुका हूं, हर वीडियो में जरूर रिपीट करता हूं, ये है फ्रेंड्स आपको मॉक टेस्ट के ऊपर काम करना है, डेली आपको मिनिमम 2 से 3 NTPC एग्जाम के मॉक पेपर सोल्व करके देखने हैं। अगर आप ये कर गए ना, डेली 2-3 मॉक पेपर अपने एग्जाम तक सोल्व कर गए, फिर आप एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त वाला खेलोगे फ्रेंड्स, आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत ही हाई जाएगा। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, अपनी कमियां नहीं देखना चाहते हैं, काफी सारे लोग कमेंट करके क्या बोलते हैं कि भैया मैं मॉक पेपर सोल्व तो कर लूं, लेकिन अंदर एक डर लगता है कि यार स्कोर 100 में से 40-50 निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स यही चीज, इसी डर से तो आपको निकलना है। अगर आप एग्जाम
से पहले मॉक पेपर सोल्व कर रहे हो, आप 100 में से 60 कर रहे हो, तो एग्जाम में आप 70-75 डेफिनेटली करके आओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। मॉक पेपर सोल्व करते टाइम चाहे आपका कितना भी स्कोर आ रहा हो, आपका 20-30-40-50 कुछ भी आ रहा हो, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मॉक पेपर सोल्व करते हो, जब आप उसको चेक करते हो, जो जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में अपना दिमाग लगाइए, उन कमियों को सोल्व करिए। आपका काम यह है ना कि स्कोर को देख के डर जाओ कि 100 में से केवल 50 आ रहा है, मैं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊं। ये सबके साथ होता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कोई ऑफलाइन किरण वगैरह, दिशा पब्लिकेशन या फिर कोई भी अच्छा पब्लिकेशन, 2-3 मॉक पेपर ले लीजिए जिसमें कम से कम 15-20 प्रैक्टिस सेट हो, और डेली 2-3 प्रैक्टिस सेट सोल्व करिए। आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, आपको अपनी कमियां पता चलेगा, आप उनको सोल्व करोगे, कमियों को दूर करोगे, साथ ही आपका जो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सोल्व करने हैं वो भी आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि काफी सारे लोग एग्जाम में परफॉर्मेंस प्रेशर के रहते 100 क्वेश्चंस 90 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड में फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। तो ये जो आपका है ये सब कुछ निकल जाएगा और एक आपके अंदर जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आएगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एग्जाम में कि हाँ आज तो एग्जाम मुझे ठोक के आना है, और आप डेफिनेटली यार ठोक के आओगे, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं। मॉक पेपर के ऊपर आप काम करोगे, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर एक काम करने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और जबरदस्त वाली प्रैक्टिस है। डेफिनेटली जब आपको कोई भी फिजिकल होता है, आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है, तो उससे पहले आप 3-3 महीना ग्राउंड के अंदर जबरदस्त प्रैक्टिस करते हो, सड़कों के ऊपर प्रैक्टिस करते हो रनिंग के, तो यहां प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? तो एग्जाम वाला भी तो यही फॉर्मेट है, आपका एग्जाम होगा तो सेम फॉर्मेट के ऊपर मॉक पेपर के ऊपर आप काम कर लोगे, तो लेवल तो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, रिजल्ट तो जबरदस्त देखने वाले मिलेंगे आपको। तो ये काम जरूर करिएगा इन 10 डेज के अंदर आपको करने, बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, सिलेबस को रिवाइज करिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन ये 10 डेज का एक बार फॉर्मेट बना के जरूर चलिएगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे अच्छे समझ गए फिर तो आपकी सभी प्रॉब्लम एकदम से दूर हो जाएंगे। इस पॉइंट के बारे में आपको काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स। पॉइंट है लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक, यानी कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखे। फ्रेंड्स आज तक आपने कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, और डेफिनेटली काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्वालीफाई भी हुए होंगे, तो खुद को आपको कुछ टाइम देना है, 30 मिनट या फिर 1 घंटा दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचिए कि यार मैं उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ था, मैं क्यों एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ था, मेरी गलती क्या थी, मैंने गलतियां क्या की थी, मैंने एग्जाम से पहले ये चीज नहीं की, या फिर एग्जाम से पहले मैं सिलेबस को रिवाइज करके नहीं गया, उस एग्जाम में मेरा जीएस सेक्शन बड़ा वीक रह गया था, उस एग्जाम में मैंने करंट अफेयर के ऊपर फोकस नहीं किया, या फिर एग्जाम हॉल में मैंने ये गलती की, या फिर मैं क्वेश्चन को टाइम के साथ प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया, या फिर एग्जाम में मैं नेगेटिव मार्किंग काफी सारी लगा के आ गया। तो डेफिनेटली गलतियां ही रहती हैं, तभी एग्जाम सफल नहीं हो पाता, और पुरानी गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि गलतियों से काफी सारा कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आपको होता है, और फिर आप जबरदस्त करके आती हो। तो आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है, जिन-जिन एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए अब तक आपने जो-जो गलती की है उनको सुधारिए, उनके बारे में ठंडे दिमाग के साथ सोचिए, 1 घंटा बैठ के सोचिए कि ये गलती मुझे सुधारनी है, और ये गलती इस बार बिल्कुल भी नहीं करनी, और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गलतियां क्या थी जिनसे आपको सीखना है, सबकी डेफिनेटली अलग अलग रही होंगी, तो जरूर इसके बारे में सोचिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पॉइंट मैंने ये आपको बोला है, अगर आप इसे ध्यान से सोचो। तो फ्रेंड्स ये है आपकी 10 डेज स्टडी प्लान, इन 10 दिनों के अंदर आपको ये करना है, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कर गए फिर तो यार आपके एग्जाम में 90 या 100 करके आओगे। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट था। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जो एनटीपीसी एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो लेकर आइए, कि इन लास्ट दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली हम फोकस करें, तो डेफिनेटली वीडियो आ जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर। आप भी सजेस्ट करिए कोई टॉपिक, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाकर आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh